नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर। यूपी निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित। राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम शंकर अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग में 2 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और 2 रिटायर विधि अधिकारी सहित सभी 5 सदस्य पिछड़े वर्ग से लिए गए हैं। आयोग में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी चौप सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त IAS महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर विधि परामर्शी एवं जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया है। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और सदस्य चौप सिंह वर्मा जाट समाज से हैं। संतोष कुमार लुहार और ब्रजेश कुमार स्वर्णकार समाज से हैं। सेवानिवृत्त IAS महेंद्र कुमार चौरसिया समाज से हैं। नियमानुसार आयोग की अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 6 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को लेकर समय सीमा और दिशा निर्देश सरकार की ओर से आगामी 1-2 दिन में तय किए जाएंगे। आयोग निकाय चुनाव में OBC वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में OBC आरक्षण निर्धारित करेगी। युवा तक भारत समाचार के लिए प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट।